हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज May 23 एग्जाम्स के लिए चल रही है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। एंड साथ में बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास डाउट्स आ रहे थे कि इसमें पेपर्स कैसे अवेलेबल होंगे, चेक कॉपी कहाँ से किस तरीके से मिलेगी, वो सारे क्लैरिफिकेशन भी मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं। जो मॉक टेस्ट सीरीज हमारी रहती है, इसमें जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स मैं और अतुल भैया मिलकर ही बनाते हैं। सारे पेपर्स एस पर ICAI आपको मिलेंगे, उनका डिफिकल्टी लेवल भी एस पर ICAI होगा। यानी एक दो पेपर्स होंगे आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अबो एवरेज, कुछ एवरेज और कुछ इजी, इस तरीके से पूरा मिक्स मेन एग्जाम की तरह पेपर का लेवल रहता है। जो इवैल्यूएशन होगा, जो कॉपी की चेकिंग होगी, वो भी एस पर ICAI पैटर्न होगी। यानी स्टेप वाइज मार्किंग आपको कॉपी में मिलेगी एग्जैक्टली एस पर ICAI। साथ में जो एग्जामिनर है उसकी तरफ से कुछ कमेंट्स भी होंगे जिनके बेसिस पे आप पेपर में अपने इंप्रूव कर पाओगे। इंप्रूवमेंट रिलेटेड आपको एरियाज भी बता दिए जाएंगे, तो ये सब चीजें आपकी चेकिंग से रिलेटेड रहेंगी। एंड देन आपको सजेस्टेड आंसर्स भी मिलेंगे। सजेस्टेड आंसर में भी हमने क्या किया है, जो आंसर किए उसमें स्टेप्स जो है उनको बोल्ड करके आपको दिया जाता है। पिछले अटेम्प्ट से ये चीज हम प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, जहां पे आपको स्टेप्स बोल्ड करके देते हैं। तो जो स्टेप्स हम बोल्ड करके देंगे आंसर की, में सिर्फ उन्हीं के मार्क्स होते हैं मेन एग्जाम में भी और टेस्ट सीरीज में भी। तो उन पे आपको वर्किंग करनी है ताकि आपको समझ में आएगी किस चीज पे फोकस करना रहेगा आंसर्स में, चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो या थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो, तो वो भी आपको यहां से हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आप ये सब फॉलो करने के बाद अगर ईमानदारी से टेस्ट देते हो ना, तो इतनी तो हम आपको अश्योरेंस दे सकते हैं कि जो आपके मार्क्स आएंगे यहां पे टेस्ट सीरीज में, वो आपके मेन एग्जाम के मिनिमम मार्क्स होंगे। यानी मेन एग्जाम में कम से कम उतने मार्क्स तो आप स्कोर कर लोगे। लेकिन बस यही चीज है कि आपको ईमानदारी से टेस्ट देना है। अगर आप चीटिंग करते हो तो फिर तो उसका कुछ करा ही नहीं जा सकता। तो ईमानदारी अगर आप फॉलो करते हो तो ये मिनिमम मार्क्स होंगे जो टेस्ट सीरीज में आपके आएंगे, वो मेन एग्जाम में कम से कम उतने तो आएंगे या उससे ज्यादा ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं। सबसे पहली चीज तो अगर आपको जो कॉपी आपको मिलेगी उसके अंदर आपको कोई और भी गाइडेंस चाहिए, कोई डाउट रहता है, कुछ और आपको पूछना है, या आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई जनरल गाइडेंस या कुछ भी पूछना है, उसके लिए मेरे और भैया के नंबर आपको मिल जाएंगे, जिस पर आप व्हाट्सएप करके कभी भी कुछ भी गाइडेंस के लिए पूछ सकते हो। या कॉपी से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत थी या कोई आपको उसमें इंप्रूवमेंट और जानना था, तो उसके लिए आप कभी भी हमें मैसेज कर पाओगे, कोई भी गाइडेंस के लिए आप हमसे पूछ पाओगे, हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, जो सिर्फ स्पेसिफिकली टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स के लिए होता है हर अटेम्प्ट में हमारा, उसमें आपको ऐड किया जाएगा, जिसमें आपको कोई भी डाउट डिस्कशन करना है, कोई भी गाइडेंस आपको देनी रही या हमें कुछ स्पेशल जनरल प्रेजेंटेशन या इंप्रूवमेंट की टिप्स देनी रही, वो भी उसी चैनल के थ्रू हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। एंड इसके अलावा आपके साथ रेगुलर टाइम टू टाइम हम लाइव सेशन भी लेंगे, जिसमें आपको गाइडेंस वगैरह देंगे, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपको बतानी होंगी वो बताएंगे। लाइव सेशन कम्युनिकेट होगा सिर्फ टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स के लिए, जो कि क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक सेपरेट चलता है, वैसे ही टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स के लिए भी लाइव सेशन हम कंडक्ट करते रहते हैं, जो आप लोगों के लिए होगा एग्जाम से पहले 2-3 बार आराम से हम कंडक्ट कर लेंगे। इसके अलावा ये तो आपका ओवरऑल था टेस्ट सीरीज का। देन टेस्ट सीरीज का जो स्ट्रक्चर रहता है वो है फुल सिलेबस टेस्ट, अपने जो है वो फुल सिलेबस टेस्ट रहते हैं। चैप्टर वाइज अभी हम कंडक्ट नहीं करवाते क्योंकि अपना मेन एग्जाम ओरिएंटेड है, तो एग्जाम में तो आपको फुल सिलेबस के लिए ही अपीयर करना है और उसी अकॉर्डिंग हम आप लोगों को तैयार करते हैं। तो सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट ही अपन कंडक्ट करवाते हैं। इसमें भी शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग देना है तो वो भी ऑप्शन है, आपको अपने खुद के शेड्यूल से देना है तो वो ऑप्शन भी आपके पास रहेगा। चेकिंग का जो टाइम है वो 5 डेज का है। बाकी इसमें मैं आपको बता दूं, अगर अभी आप जैसे कॉपीज अपलोड करते हो तो हम 2 दिन में भी करवा देते हैं चेक। बस क्या होता है ना, जनरली स्टूडेंट्स के एग्जाम के लास्ट मंथ में कॉपी देते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उस वक्त कॉपी देते हैं तो इसलिए टाइम लगता है कॉपी में, तो हमने वो 5 डेज का क्राइटेरिया रखा हुआ है। बाकी हम कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी कॉपी चेक हो जाए उतना करते हैं। नॉर्मल टाइम में तो 2 दिन के अंदर भी कॉपी आपको चेक होकर मिल जाती है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज में जो सीरीज बना है, 3 सीरीज अपनी चलती हैं, आप कोई भी सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, तीनों करना है तीनों कर सकते हो, वो आपके ऊपर रहता है। उसमें मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप कर सकते हो। सीरीज 1 के पेपर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, सीरीज 2 के पेपर 1 मार्च को अपलोड हो जाएंगे और सीरीज 3 के पेपर 1 अप्रैल को अपलोड हो जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कन्वीनियंस से कभी भी टेस्ट दे सकते हो तीनों सीरीज का। तीनों सीरीज के सबमिशन की लास्ट डेट है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल से पहले आप कोई सी भी सीरीज हो कभी भी पेपर अपलोड कर सकते हो 20 अप्रैल से पहले पहले। इसके अलावा टेस्ट सीरीज में अब आपको ज्वाइन कौन सी सीरीज करनी चाहिए, सीरीज 1, 2 या 3। तो कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि लेवल में फर्क होता होगा, कोई भी लेवल में फर्क नहीं होता, सब सीरीज का जो डिफिकल्टी लेवल है वो अप्रोक्स
सेम ही होता है, क्योंकि जो पेपर्स है ना हर सीरीज में, हम जैसे कोई पेपर मान लीजिए सीरीज वन में हमने एफ आर एस एफ एम को टफ बना दिया, तो सीरीज टू में हो सकता है वो एवरेज बना दें, सीरीज थ्री में हो सकता है वो ईजी बना दें। मतलब कोई सीरीज में कोई सब्जेक्ट का पेपर टफ होगा तो दूसरी सीरीज में कोई दूसरे सब्जेक्ट का पेपर टफ होगा, यानी ओवरऑल सीरीज का लेवल सेम ही होगा, बस पेपर्स का लेवल ऊपर नीचे होता है। यानी एक सीरीज में आपको सभी तरीके के पेपर्स मिलेंगे, जैसे मेन एग्जाम में होता है, कोई पेपर आउट ऑफ बॉक्स, कोई अबो एवरेज, कोई एवरेज और कोई ईजी, इस तरीके से पेपर्स बनते हैं सभी सब्जेक्ट के, तो हर सीरीज का लेवल उस अकॉर्डिंग है। तो अब सीरीज सेलेक्ट कैसे करनी है वो आपके ऊपर है, यानी अगर आपके पास सफिशियंट टाइम है तो आप तीन सीरीज ज्वाइन करके दे सकते हो, ऑल थ्री सीरीज, अगर सफिशियंट टाइम है। अदरवाइज मान लीजिए आपको लग रहा है सफिशियंट टाइम नहीं है तीनों सीरीज लिखने का, तो आप दो बार तो टेस्ट प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा, दो सीरीज से भी काम चल जाएगा। अगर आप दो बार मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उससे भी काम चल जाएगा, एनी टू सीरीज, कोई भी जो आप अपने कन्वीनियंस से आपको लगे कि हमें इस टाइम के अकॉर्डिंग दूंगा, तो उस अकॉर्डिंग आप कोई भी सीरीज ज्वाइन कर लेना दो। और अगर आपके पास सफिशियंट टाइम है, आपको लग रहा है मेरे को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो आप तीन सीरीज ज्वाइन करिएगा उस केस में। तो ये आपका प्रोसीजर रहता है। अब इसमें देखिए, अगर कोई सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था जिसकी रैंक थी सीए इंटरमीडिएट में, तो उसके लिए हमारी डिस्काउंट की पॉलिसी रहती है, तो वो स्टूडेंट मेल वगैरह डाल देगा तो उसको डिस्काउंट क्लेम कर सकता है, जो भी सीए इंटरमीडिएट में जिसकी रैंक थी। दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट जिसके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो उनको भी हम कंसिडर करते हैं। अगर आप में से किसी का भी अगर फाइनेंशियल इशू हो तो बिल्कुल आप मेल डालिएगा हमको, और उस मेल के अकॉर्डिंग जो भी डिस्काउंट बनेगा हम कंसिडर करेंगे। अगर आपको फाइनेंशियल इशू है तो जेन्यून फाइनेंशियल इशू होना चाहिए, तो उस केस में आपका डिस्काउंट हम कंसिडर करते हैं हर बार। तो वो आप उसके लिए एक मेल डाल दीजिएगा हमारी मेल आईडी पर। और जो रैंकर स्टूडेंट है सीए इंटरमीडिएट के, इंटरमीडिएट के लिए, उनके लिए तो डिस्काउंट रहता ही है, वो वेबसाइट पर भी मैंशन है, वहाँ से आप क्लेम कर पाएंगे। तो ये आपका प्रोसीजर है, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं। अब देखिए टेस्ट सीरीज का चेकिंग वगैरह का प्रोसीजर कैसे क्या होगा, आप इनरोल कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको बस हमारी वेबसाइट पे जाना है AIR1CA.com, इसके अलावा और कहीं से आप रजिस्टर नहीं कर सकते, तो यहीं से क्लासेस वगैरह सब चीज़ें होती है, नोट्स वगैरह सब यहीं से मिलते हैं। तो यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज में चले जाएंगे, यहाँ पर सबसे ऊपर ऊपर ये टेस्ट सीरीज का है, तो टेस्ट सीरीज में यहाँ आप जाएंगे तो टेस्ट सीरीज का पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ये पोर्टल आपका मोबाइल और लैपटॉप दोनों विंडोज़ कहीं पे भी आप ओपन कर सकते हैं, तो वहाँ से ओपन हो जाएगा। तो बाय नाउ में अब आप यहाँ पे देख लीजिए, सेलेक्ट कर सकते हैं शेड्यूल्ड या अनशेड्यूल्ड। सबसे पहले तो शेड्यूल्ड सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने शेड्यूल आ जाएगा टेस्ट सीरीज का। तो जो लोग पूछें कि भाई शेड्यूल कहाँ है, तो अगर आप यहाँ शेड्यूल्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने शेड्यूल आ जाएगा, आप ओपन करके देख लीजिएगा अपने मोबाइल या लैपटॉप में, आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा ये शेड्यूल। इसके बाद अनशेड्यूल्ड भी आप ले सकते हैं। देन आप अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से ग्रुप की आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, ग्रुप टू या बोथ ग्रुप है, तो आपको इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट करना रहेगा, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है, उस टेस्ट सीरीज का नंबर आप इस पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑल थ्री सीरीज लेनी है तो तीनों पे सेलेक्ट, दो सीरीज लेनी है दो पे सेलेक्ट, जो भी सीरीज लेनी है आप उस पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको पेमेंट का अमाउंट मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। फिर आप प्रोसीड टू पे करके आप आराम से इसमें इनरोल कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ें एक तो इनरोल से रिलेटेड, जैसे ही आप इसमें इनरोल कर लेंगे आपको एक्सेस मिल जाएगा, उसके बाद का मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। अब इसमें देखिए टेस्ट सीरीज के इस पोर्टल में आपको सैंपल इवेल्युएटेड कॉपी भी मिलेंगी। यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अभी आईडीटी और ऑडिट की हमने सैंपल इवेल्युएटेड कॉपी डाली हुई है, बाकी और भी सब्जेक्ट्स की अभी हम सैंपल इवेल्युएटेड कॉपीज डाल देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि चेकिंग किस तरीके से अपन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी सैंपल इवेल्युएटेड कॉपी के अंदर। ठीक है, तो ये सारी सैंपल इवेल्युएटेड कॉपीज यहाँ पे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी हम इसमें अपलोड करवा देंगे, तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हो। इसके बाद देखिए, जैसे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, बाय नाउ कर लेंगे, तो उसके बाद ये जो माई टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एक्सेस मिल चुका होगा। इस एक्सेस में देखिए, ये एक मैंने डेमो अकाउंट मेरा ही ओपन करके खोला हुआ है परचेस करके, तो इस अकाउंट में मैंने तीनों सीरीज परचेस करी, तो तीनों सीरीज का ऑप्शन आ गया, सीरीज वन, सीरीज टू, सीरीज थ्री। तो सीरीज टू और थ्री के पेपर अभी अपलोड होंगे, यहाँ पे लिखी हुई भी है डेट, सीरीज टू के पेपर अपलोड होंगे 1 मार्च को, सीरीज थ्री के 1 अप्रैल को, तो उन्हीं डेट को ये ओपन होगा, अनलॉक होगा, तब तक के लिए डिसेबल है ऑप्शन। सीरीज वन अपलोड हो चुके हैं पेपर्स, तो यहाँ पे आप क्लिक करके सारे पेपर देख पाएंगे। यहाँ अभी मैंने एक बार के लिए बोथ ग्रुप की ऑल थ्री सीरीज मेरे अकाउंट से परचेस करके रखी हुई है, तो वो यहाँ पे सारे पेपर दिख जाएंगे। तो सीरीज वन में ये आप देख सकते हैं सारे पेपर्स यहाँ पे मेरे को एक्सेस दिख रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपना जो इलेक्टिव है एक बार के लिए FSCM सेलेक्ट किया था, तो उसका पेपर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आठों सब्जेक्ट के पेपर आपको दिख जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको पेपर लिखना हो तो यहाँ पे देखिए, एक बार दो पेपर्स तो मैंने ऑलरेडी सबमिट करे हुए हैं इस अकाउंट से, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या प्रोसीजर है। तो मान लीजिए ये ऑडिट का पेपर, अब मुझे ये लिखना है, आप कोई भी सीक्वेंस में कोई भी पेपर कभी भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस रहती है। तो अब ये ऑडिट का पेपर आपको देना है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर करके ये
आ रहा है क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड के लिए आपसे पूछेगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड करेंगे तो क्वेश्चन पेपर आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये पोर्टल आपका मोबाइल में भी ओपन होगा और लैपटॉप में भी ओपन होगा, इसी पोर्टल पे सारी वर्किंग होगी, पेपर्स भी यहीं से डाउनलोड होंगे, लिख के अपलोड भी यहीं करना, और चेकिंग वाली शीट भी यहीं मिलने वाली है आपको, सब कुछ इसी से होगा, पूरा ऑटोमेट कर दिया अपनी बार अपन ने पोर्टल। तो यहाँ पे देखिए पेपर डाउनलोड हुआ, ये पेपर आपके सामने आ जाएगा। पेपर डाउनलोड होने के बाद आपका क्या करना है, यहाँ पे पेपर लिख लिया, अपलोड पे क्लिक किया, तो अपलोड पे सपोज एक बार के लिए मैं अपलोड कर देता हूँ कोई भी फाइल, सपोज ये फाइल मैंने अपलोड करी, ये मेरी चेक आंसर, मेरी आंसर कॉपी थी जिसमें मैंने पेपर लिख लिया था, ये मुझे अपलोड करना था, तो मैंने उस सब्जेक्ट के आगे अपलोड पे क्लिक किया और फाइल अपलोड कर दी। अब ये मुझे एक बार बोल रहा है कि ये फाइल एक बार आप चेक कर लो फाइनली कि आपने सही फाइल तो अपलोड करी है ना। कई बार क्या हुआ था, हमारे पिछले अटेम्प्ट में हमारा कुछ प्रोसीजर अलग था, टेस्ट सीरीज का पोर्टल नहीं बनाया हुआ था हमने, तो उसमें क्या होता था कई बार स्टूडेंट गलत कॉपी अपलोड कर देते थे या सिंगल पेज अपलोड कर देते थे, तो उसके लिए हमने ये ऑप्शन दिया, एक बार आप चेक कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके कि आपने सही कॉपी तो अपलोड करी है ना। अगर आपने सही कॉपी अपलोड करी है, आपने चेक कर लिया, तो आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद फिर आप कॉपी चेंज नहीं कर पाएंगे, जो आपने एक बार कॉपी सबमिट कर दी उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सबमिट करूंगा, सबमिट करते ही मुझे सजेस्टेड आंसर्स का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। जैसे मैंने देखो ऑडिट की कॉपी सबमिट करी, यहाँ सजेस्टेड आंसर इनेबल हो गया, पहले ये डिसेबल था। ऐसे बाकी सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे सजेस्टेड आंसर आपको डिसेबल मिलेगा। आंसर्स हम तभी देंगे जब तक आप कॉपी अपलोड नहीं करोगे, ताकि आपके पास चीटिंग करने का कोई स्कोप ना बचे, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव है एग्जाम में मार्क्स लाना। तो उस कॉपी अपलोड होते ही आपको सजेस्टेड आंसर्स मिल जाएंगे, आप डाउनलोड करके देख पाओगे। ये मैंने डाउनलोड किया सजेस्टेड आंसर, ये मुझे सजेस्टेड आंसर मिल गए, ठीक है। जैसे जैसे कॉपी अपलोड करते जाओगे वैसे सजेस्टेड आंसर्स मिल जाएंगे आपकी। अब आंसर शीट चेकिंग में जा चुकी है, तो यहाँ पे आपको स्टेटस भी दिखता रहेगा, सेंट फॉर इवेल्युएशन, पूरा स्टेटस आपको यहाँ से मालूम पड़ता रहेगा। जैसे ये कॉपी चेक हो जाएगी, ये जो इवेल्युएटेड शीट करके ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है वो आपका ग्रीन हो चुका होगा, जैसे इन दो पेपर्स में हो चुका है। तो जैसे ये ऑप्शन ग्रीन होगा, यानी कॉपी चेक करके आ चुकी है, और आपके पास एक मेल भी आएगा। जैसे ही आपकी कॉपी चेक होगी, आपके पास एक SMS आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, एक मेल आएगा कि आपकी कॉपी चेक हो चुकी है, आप अपने पोर्टल पर जाके एक्सेस कर लीजिए, और आपके मार्क्स कितने हैं वो आपको मिलेगा मेल के थ्रू, और यहाँ पे आके आप देख पाएंगे, और यहाँ पे भी आपको मार्क्स स्कोर मिलेगा, आपने कितना स्कोर किया है वो मार्क्स भी डायरेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप इवेल्युएटेड शीट पे क्लिक करेंगे, आपको आपकी चेक कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। ये एक ऐसी फाइल अपलोड करी हुई है, अभी डेमो अकाउंट है, मैंने मेरा ही ओपन किया, तो आपको पूरी चेक कॉपी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक्सेस मिलेगा, बिल्कुल इजी प्रोसेस है। इसी में अपलोड करना है, इसी में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, फिर अपलोड करने के बाद सजेस्टेड आंसर मिलेंगे, एंड देन वहीं पे चेक शीट आपको मिल जाएगी, 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगी। मैक्सिमम टाइम 5 डेज का अपन ने चेकिंग का दिया हुआ है, जिसके अंदर जो कि लास्ट मंथ में जाके होता है, जब मोस्टली स्टूडेंट्स कॉपीज देते हैं। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ और मैं बता देता हूँ जो आपको डाउट आ रहे होंगे। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा है कि मान लीजिए कोई रेयर सर्कमस्टांसेस में आप कोई टेस्ट नहीं दे पाए, किसी सब्जेक्ट का आपका टेस्ट देना पेंडिंग रह गया, तो उस केस में आपको सजेस्टेड आंसर्स हम प्रोवाइड करवा देंगे, आपने टेस्ट नहीं दिया होगा तो भी, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट नहीं दे पाता है तो भी हम आपको सजेस्टेड आंसर्स प्रोवाइड करवाएंगे, आप उसमें टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आपको पूरा सजेस्टेड आंसर मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के जो भी आपने ज्वाइन करे होंगे, बट मैं यही बोलूंगा कि आपको टेस्ट देना ही देना है। अगर आपने टेस्ट से ज्वाइन करी है तो टेस्ट देना ही देना, क्योंकि उस टेस्ट में चाहे आपके 10 नंबर भी आ रहे होंगे ना, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हमने ये देखा है पिछले अटेम्प्ट में जो हमने टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई, हमारी जब स्टूडेंट से बात होती है तो वो बोलते हैं कि हमें सर डर लगता है, मेरी तैयारी नहीं हो पाई, मैं फेल हो जाऊंगा टेस्ट में, तो डर लगता है 5 नंबर आ जाए 10 नंबर आ जाए। तो आपको डरना क्यों है भाई, वो मेन एग्जाम थोड़ी ना है। इसमें अगर आप 10 नंबर भी आएंगे, अगर इसमें मान लीजिए आप खाली कॉपी भी अपलोड करोगे तो पता तो रहेगा ना आपका स्टेटस क्या है। अगर आप एक पेज भी भरोगे 2 नंबर भी आएंगे तो पता चलेगा ना 2 नंबर आ रहे हैं, मेहनत करनी है आपको। एटलीस्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें तो गलती पता चलेगी ना। तो आपके चाहे 10 नंबर आ रहे हो, 20 नंबर आ रहे हो, जो भी आपकी मेंटेलिटी चल रही है उसको साइड में करके पेपर लिखना है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे तो 20-30 नंबर भी नहीं आएंगे, और आप पेपर लिखने बैठते हो ना, आप सॉल्व कर पाते हो और शायद नंबर 40-50 आ जाए, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप करवाएगा, वरना आपका ना कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, ना इंप्रूवमेंट कर पाओगे, ना आपको अपनी पोजीशन पता चलेगी, मेन एग्जाम आपके लिए मॉक टेस्ट बन जाएगा। तो मेन एग्जाम को मॉक टेस्ट बनाने से अच्छा है यहाँ पे जब आप टेस्ट से ज्वाइन कर ही ली है तो उसके पेपर अपलोड करना, ठीक है। चाहिए मैं तो हर बच्चे को यही बोलूंगा, आप कॉपी तो अपलोड करना चाहिए, एक पेज में आंसर लिखना चाहिए, आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड करना, लेकिन कॉपी तो अपलोड करना, कम से कम उसको यूटिलाइज करो जितना बेनिफिट मिल सके। ये मेंटेलिटी साइड कर दो कि मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरे साथ ये होगा, ये तो भाई आपका सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस है, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, इससे कोई पूछने वाला नहीं है। मेन एग्जाम में पास होना है, चाहे यहाँ फेल हो जाओ, किसी को मतलब नहीं है। और मैंने आपको बोला अगर आपने ईमानदारी से दिया ना, तो यहाँ जितने मार्क्स आएंगे वो आपके मिनिमम मार्क्स होंगे, मेन एग्जाम में उससे ज़्यादा ही आएंगे।
तो ये आपका पूरा टेस्ट सीरीज का पोर्टल है जो हमने पूरा ऑटोमेट कर दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम तक हम मेल के थ्रू वर्किंग करते थे तो क्या होता था ना, स्टूडेंट्स को हम चेक कॉपी आप लोगों को भेजते थे तो कई बार आप लोगों के स्पैम फोल्डर में भी चली जाती थी तो मिलती नहीं थी, तो आप लोग भी परेशान होते थे और उसमें क्या टाइम भी लगता था कि हम लोग भी कॉपी डाउनलोड कर रहे हैं, चेकिंग में भेज रहे हैं, फिर वहां से आ रही है, तो वो टाइम भी यहां सेव हो जाएगा। तो पूरा पोर्टल ऑटोमेट कर दिया ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना आए, तुरंत आपको स्पीडली काम हो और कॉपी भी एकदम टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो ये आपका पूरा पोर्टल है। सारी जो चेकिंग होगी, पेपर्स होंगे, वो हमारे अकॉर्डिंग ही होते हैं, जो हम पेपर्स बनाते हैं वो ही पेपर्स आपको देते हैं, और उसके अंदर जो मार्किंग पैटर्न होता है, जो चेकिंग होती है, वो भी हम लोग ही खुद डिज़ाइन करते हैं, मैं और भैया, और वो एज पर आई सी ए होता है पूरा। तो एज इट इज़ उस अकॉर्डिंग होगा। कोई भी गाइडेंस वगैरह के लिए आप मेरे से, भैया से कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। लाइव सेशन अपना होगा ही टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स का, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। इसके अलावा देखो, जब टेस्ट सीरीज कंडक्ट होगी उसमें फिर टेस्ट सीरीज वाइज जो भी परफॉर्मेंस आएगी स्टूडेंट्स की, उसके अकॉर्डिंग टॉपर्स की लिस्ट वगैरह भी आपको इसी पोर्टल पे हम डाल देंगे कि कौन कौन टेस्ट सीरीज में कितने कितने मार्क्स स्कोर करा, टॉपर्स की लिस्ट, जो कि टेलीग्राम के थ्रू भी हम आप लोगों को हर अटेम्प्ट में कम्युनिकेट करते हैं, पोर्टल है तो यहाँ पे भी अपलोड करवा दी जाएगी टॉपर्स की लिस्ट, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है हर सीरीज के अंदर। और इसके अलावा हर सीरीज में जो पेपर्स होंगे, मान लीजिए सीरीज वन कंप्लीट हुई, अब सीरीज वन में 2000, 4000, 5000 जिन भी बच्चों ने टेस्ट दिया, अब वो जो बच्चों ने टेस्ट दिए, आप लोगों ने जो टेस्ट दिए हैं, उन टेस्ट के अंदर अब आपको समझ भी नहीं आ रहा, आपने मान लीजिए एफआर में 50 मार्क्स स्कोर करें, 55 मार्क्स स्कोर करें, अब आप जज नहीं कर पा रहे इस पेपर के अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स सही हैं या कम हैं कि ज़्यादा हैं या ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि जैसे सीरीज कंप्लीट होगी आपको बताएंगे कि इस पेपर का लेवल ये था इस सीरीज के अंदर, और इसमें ऑन एन एवरेज इतने मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के और इतने आने चाहिए थे, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको भी इवेल्युएट कर पाओगे कि हाँ मेरे मार्क्स सही आए हैं पेपर लेवल के अकॉर्डिंग या कम आए हैं कि ज़्यादा आए हैं, वो आप इवेल्युएट कर पाओगे। तो वो चीज़ भी आपको बताई जाएगी कि एवरेज मार्क्स कितने आए हैं स्टूडेंट्स के और कितने आने चाहिए थे इस पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग, तो आप बाकी स्टूडेंट से भी अपने आप को कंपेयर कर पाओगे। एंड टेस्ट सीरीज में जो कंपैरिजन है वो केवल सिर्फ टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स का नहीं होगा, जो टेस्ट सीरीज में रजिस्टर होंगे हमारे यहाँ, जो हमारे क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, उन लोगों के भी, तो जो 10-15 हज़ार बच्चे इस अटैम्प्ट में टेस्ट क्लास वाले हैं हमारे मई 23 अटैम्प्ट के लिए, 10-15 थाउजेंड के अराउंड जो क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी ये टेस्ट देंगे, तो उन स्टूडेंट्स को मिला के और आप लोगों जो टेस्ट सीरीज के सेपरेट स्टूडेंट्स हैं आप सबका मिलके ओवरऑल स्कोर आएगा, ओवरऑल रैंक आएगी, जो टेस्ट सीरीज की रैंक होगी वो भी हम ओवरऑल लेते हैं, क्लास स्टूडेंट्स प्लस टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स, और उन्हीं का ओवरऑल एवरेज आएगा, ताकि आप इतने सारे स्टूडेंट्स में फिर आपका कंपैरिजन होता है, तो आपका जो कंपैरिजन होगा वो इतने सारे बच्चों में होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग उसमें आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा एग्जाम के लिए भी कि हाँ भाई अपनी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेस्ट सीरीज स्टूडेंट की हम रैंक नहीं निकालते, हम जो रैंक और जो एवरेज मार्क्स देंगे वो हमारे क्लास वाले स्टूडेंट्स के साथ भी देंगे, क्योंकि क्लास वाले स्टूडेंट्स के भी हम टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं और वो 10-15 हज़ार बच्चे मई 23 के लिए क्लास वाले बच्चे भी ये टेस्ट देंगे हमारे वाले बच्चे, ठीक है। तो ये आपका पूरा पोर्टल है, यहाँ से मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया है कि कैसे टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपने ज्वाइन कर ली तो कैसे आपको एक्सेस मिलेगा, यहीं से आपको एक्सेस मिलेगा, यहीं आपको पेपर डाउनलोड करना है, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा, यहीं से पेपर अपलोड होगा, यहीं से सजेस्टेड मिलेंगे और यहीं से इवेल्युएटेड शीट मिलेगी, और आपको टाइम टू टाइम मेल आता रहेगा, जब कॉपी चेक होगी आपके पास प्रॉपर मेल आएगा, मैसेज भी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, और उसके अलावा भी कोई भी गाइडेंस वगैरह कुछ भी चाहिए उसके लिए आप डायरेक्टली मेरे से भैया से कभी भी कनेक्ट कर ही पाओगे। बाकी मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया है, इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे ऑफिस वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बस यही मुझे आप लोगों को कम्युनिकेट करना था, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, राधे राधे।